और ये मर्दाना ताकत भी देती है। अच्छा जी, ये तो गुप्त, ये थोड़ा सा होली बोलिए। आइए नेचुरल फ्रूट आइसक्रीम, रोलर आइसक्रीम। कश्मीरी लोग ना मीठे ही होते हैं। बहुत अच्छा, इसमें तो सब कुछ मिला हुआ है जी, बादाम भी, काजू भी है ना। चिकन मोमोज है? नहीं नहीं, ये वेज मोमोज है। कोयला इसमें डालता है। शानदार, जिलेबी बोला था, जिलेबा दे दिया। इसमें से सबसे महंगी आइटम कौन सी है? सबसे महंगी आइटम थाली है। ये है जी मडवे का मोमोज। मडवे का मोमो, ये नाम आपने पीछे लिखा जिलेबी, लेकिन ये जिलेबा है। तुमने तो पूरी फैक्ट्री खोली हुई है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप उनको कितना का देंगे डिस्काउंट मेरे करके? 20% डिस्काउंट सर। दुनिया की नंबर वन देसी घी की जलेबी, आइए मिलते हैं। और अरे, ये तो हमारे वही ताऊ जी हैं। और ताऊ कैसे हो? राम राम। राम राम भाई, राम राम। वाह जी वाह, आपने कोई शहर नहीं छोड़ा। यार शहर क्या, मजदूरी करनी अपनी, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। शहर छुटवा लो फिर खाऊंगा क्या। मुझे तो लगता है सबको शुगर करा के हटोगे। शुगर नहीं होता है जलेबी से, ये तो बात ही शुगर हो जाए। ये नाम आपने पीछे लिखा जलेबी, लेकिन ये जलेबा है। वैसे वैसे मेरी हमारी भाषा में जलेबी है तो जलेबा, हमारी भाषा जलेबी की बोलने की है। ठीक ठीक। और ये जो है, ये जो तैर रही है, ये जो जलेबियाँ, ये देसी घी में तैर रही है? हाँ जी, देसी घी में जी, मधुसूदन में। वाह जी वाह, मधु, ये भी वहीं का है, हरियाणा का देसी घी? नहीं जी, ये तो है तो कंपनी का है, ये है तो कंपनी का जी। अच्छा, ये है जी देसी घी। वाह जी वाह, चलो मधुसूदन, ये भी बहुत बड़ी दिलेरी है जी। देसी घी में आप पूरे मेले को खिला रहे हैं जलेबी। हाँ जी। आपने कोई शहर नहीं छोड़ा, अभी ऋषिकेश में भी पहुँचे हुए थे आप? हाँ जी, ऋषिकेश में पहुँचे हुए थे, उसके बाद तो फिर मेरठ आए हैं, मेरठ के बाद लुधियाना गए हैं, लुधियाना के बाद कलाग्राम चंडीगढ़ में आए हैं, कलाग्राम के बाद कुरुक्षेत्र गीता जयंती में गए हैं। तो आप करना क्या चाहते हो? आप घर में लगता है, आप दिल नहीं लगता आपका घर में? घर में दिल कैसे लगे यार, काम तो ये करता है और तो काम नहीं बसका मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने देखा वैसी के वैसी हो, 19-20 का फर्क नहीं हुआ। आज से 5 साल पहले मिला था आपको, वैसी के वैसी हो, पूरी गालों में लाली है। यही देसी घी के जलेबी खा के सामने दो जलेबी दूध में डाल के खाता हूँ। आधा किलो दूध में। एक कितनी जलेबी खाते? दो की एक? दो पीस है, आधा किलो दूध में डाल के। ये तो मुझे देख के चक्कर आ रहा है इसको। ऐसे थोड़ी खाओ, कैसे खा लेगा आपको? इतनी बड़ी जलेबी, जलेबा कैसे खा लेते आप? ये 250 ग्राम आएगा, ये कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं। एक, अच्छा, ये पूरा तोल के बनाते हो? हाँ जी, बस आइडिया है जी, अपना 5-10 ग्राम नीचे ऊपर आइडिया पूरा है। वाह जी वाह। तो अब इसके बाद कहाँ जाना है आपने? इसके बाद तो एक बार तो लुधियाना जाना है। लुधियाना 2 दिन का कृषि मेला है। अच्छा जी। उसके बाद हिमाचल में जाना है, अब कांगड़ा कुंगड़ा पता नहीं कहाँ की बातचीत हुई थी कल परसों, वो उसके बाद बात करेंगे लुधियाने के बाद। अच्छा अच्छा, यानी कि और ये क्या रुपए किलो है ये भी बता दो? ये 100 रुपए का एक पीस होता है जी, 250 ग्राम का। 100 रुपए का एक पीस है ये? हाँ जी, 250 ग्राम का। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। आप तो ना पूरे भारत वर्ष में पूरे आप एक चेहरा बन गए हैं, बहुत बढ़िया फेमस चेहरा। ऐसा जी, भारत वर्ष की ऐसी बात है, जैसे की हम गीता जयंती करने बाद बेलगांव कर्नाटक गए थे। अच्छा जी। फिर उससे पहले पांडिचेरी भी गए हैं, बॉम्बे भी, हैदराबाद भी, जयपुर, शिमला, ऐसे तो थोड़ा बहुत घूमने का भी होगा। बढ़िया जी, आपने पूरे हिंदुस्तान को लगता है शुगर करवाओगे। ये शुगर वाली चीज नहीं है जी, ये देसी घी चीज है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये नहीं, सेहत भी बनती है, देसी घी भी है इसमें, ऐसा है माने दूध के साथ खाओ, सामने शर्म दर्द हो, चक्कर आता हो, उसको भी काम देती है। बहुत बढ़िया जी, गालों में आपके लाली लगता तभी है ये देसी घी की जलेबी खा के, और ये मर्दाना ताकत भी देती है। अच्छा जी, ये तो गुप्त, ये थोड़ा सा होली बोलिए। तभी तो होली बोला पड़ा, ऐसी बातें थोड़ा सा धीमी, तभी तो धीमी मेरा दूसरा, तभी तो थोड़ा धीमा बोला ना। अच्छा, ये सही बात है क्या? हकीकत बात है, हकीकत बात है। तो ये हमारा वो अशोक यादव वहाँ पर है कुरुक्षेत्र में पत्रकार जी, उन्होंने खुलासा किया, हमने थोड़ा इशारा दिया, उन्होंने खुलासा कर दिया था। अच्छा जी, वाह जी वाह। आप बात हमें तो पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो हकीकत हम मान लेते हैं आपकी बात। इसको तो डॉक्टर भी बताते हैं सर। अच्छा, शर्मा दर्द है, चक्कर है, वैसे कोई है, दूध में डाल कर शाम को जिसी भाव जैसी जलेबी देते रहो। ये बनती तो मैदे की है? इसमें मैदा होता है, मूंग दाल और दाल, चने दाल मिक्स होती है, उसका खमीर बना जाता है, तब ये बनती है। बहुत बढ़िया जी, एक मेरा मन कर रहा है आपके साथ एक फोटो खिंचाने का। फोटो खिंचाओ, पहले तक जलेबी खा के दिखाओ, मैं थोड़ा एक घुमा के दिखाता हूँ। हाँ, घुमा के दिखाओ जी। ताऊ, ये पहले से बड़ी कढ़ाई रख लिया आपने, पहले छोटी कढ़ाई थी? ऐसा जी, वो जैसे कि दूर ज्यादा जाना पड़ता है, छोटी ले जानी पड़ती है, और यहाँ हरियाणा में थोड़ा क्रेज है मेरा, वैसे भी यहाँ तो बड़ा जाना पड़ता है, एक एक जगह जिसमें दो दो भी चलानी पड़ती है। आपने पगड़ी भी जलेबी की तरह बांधी हुई है? ये तो शौक है जी। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है जी। ये ताऊ हमारे इतने फेमस हो गए हैं, इतने फेमस हैं कि इनके, मेरा मन किया इनके साथ एक थोड़ा सा वीडियो बनाने का। एक बार ताऊ मैं भी जरा घुमा दूं, जरा ऐसा हो जाएगा कि मैंने, मेरे हाथ की जलेबी बनी हुई है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ, जलेबी तो गलत, जलेबा है ये। वाह जी वाह, ऐसे करो ना, ऐसे ले पकड़ियो एक बार। अच्छा लो जी, ये इसको ऐसे करो। ये तो सिखा दी, अब अगले मेले में मेरी
दुकान यहाँ पे होगी। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ आप बराबर में कोई। ठीक है जी, ये ऐसे पकड़ा और ऐसे पलटा गया, ये तो बहुत आसान है जी। वाह जी वाह, बढ़िया ताऊ जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। बहुत अगले मेले में मिलेंगे अब। ठीक है सर, जय राम राम। राम राम, रुको, जलेबी खा के जाना। वैसे राम राम नहीं है जी, खाएंगे जी, लेकिन ये इसको देख के मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसे कैसे चक्कर आ रहा है? उन्हें तो रौनक लगा दी जी पूरी, है शानदार। जलेबी बोला था, जलेबा दे दिया। वाह जी वाह, ताऊ मजा आ गया। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं, आप ठीक हो? बढ़िया जी, मैं फिट फाइन। और आपका नाम? मेरा नाम नुजहत है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हूँ। अच्छा, कश्मीर से आई हूँ। अच्छा, कश्मीर से। तो अभी ग्रुप का नाम है फरहान। फरहान जी, जी। तो अभी वहाँ पे कश्मीर में कैसा मौसम है? अभी तो ठीक है, धूप निकल रही है, इससे पहले बर्फ बहुत थी। अच्छा, धूप निकल रही है, अब ठीक है। तो आप कश्मीर से हमारे शहर में आए हैं, तो ये क्या लेके आए हमारे शहर में? जी हम स्पेशली कहवा लेके आए हैं, कश्मीर का कहवा। अच्छा, कश्मीरी कहवा, कश्मीरी टी। हाँ, मैंने हम ये लेके आए यहाँ पे, उन्होंने हमें खास इसके लिए बुलाया यहाँ पे। अच्छा, कश्मीरी कहवा पीने के लिए। तो ये इसका कोई खास बर्तन होता है जी? स्पेशल जी, बहुत स्पेशल होता है ये, कश्मीरी का फेमस है। इससे खांसी, नज़ला, जुकाम, सर्दी लगती है, ये बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। अच्छा, ये दिखाएंगे जरा। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है ये, इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं। बगैर दूध के बनता है ये? बगैर दूध के। इसमें देखो, इसमें हम पानी डालते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर पाउडर डालेंगे। अच्छा, ये वाला पाउडर, पानी में पाउडर डालेंगे। ये शाही कहवा, शाही कहवा। हाँ, इसमें पाउडर डालेंगे। अच्छा ठीक, फिर इसको ढक के इसमें कोयला डालेंगे। अच्छा, कोयला, ये कोयले से जलता है? जी जी जी, ये कोयले से जलता है। इसमें हमने पहले ही गर्म कोयला डाला, अब धीरे धीरे एक एक कोयला इसमें डालते हैं ताकि गर्म रहे। अच्छा, तो उसी में पानी, उसी में पाउडर, उसी में कोयला? हाँ, पाउडर, पानी और कोयला भी अंदर डालना पड़ता है। नहीं, मिक्स तो नहीं होता पानी? नहीं, में नहीं, देखो कोयला किस में डालता है। हाँ, दिखाएं। कोयला इसमें डालता है। अच्छा, हाँ, इसमें पानी, इसमें कहवा बनता है, इसमें कोयला डालता है। ये कश्मीरी, ये कश्मीरी कहवा। जी जी, ये कश्मीरी ब्रांड है, कश्मीरी कहवा। अच्छा, शाही कहवा। जी जी, मैं आपको एक कप बना के दूंगी, आप टेस्ट करना आपको कैसा लगेगा। अच्छा ठीक है जी। तो ये ऐसा तो नहीं कहीं गर्मी ज्यादा गर्म हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो ज्यादा गर्मी भी नहीं, अभी ये ठीक रहेगा। और ये क्या चीज है? ये इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, इसमें टेस्ट आता है। और अच्छा, केसर डालते हैं इसमें। केसर भी? जी जी जी। अच्छा वाह जी वाह, केसर भी डाल, इसमें बहुत टेस्ट आता है इससे। तो ये कितने का है कप? ये 20 रुपए का एक कप बनता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने तो केसर भी डाल दिया, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, फिर भी 20 रुपए का है। इसको प्रमोट करना है। अच्छा, आप पैसे तो कमाते ही रहते हैं, अभी यहाँ के लोगों को दिखाना है, इसलिए सस्ता लगाया है रेट। अब मैं ट्राई करता हूँ जी, कश्मीरी कावा है ना, शाही कावा। बहुत बढ़िया, बड़ी महक बहुत बढ़िया है जी इसकी, है ना, जैसे आपने बड़े प्यार से बनाया। हाँ वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जैसे आपने बोला ना, तो ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा। इसमें तो सब कुछ मिला हुआ है जी, बादाम भी, काजू भी, है ना, ज़्यादा मुझे टेस्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया जी, शानदार, शुक्रिया। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने देखा आप, ये टोपी बड़ी अच्छी लग रही है आप पे जी। हाँ, ये उत्तराखंड से हम लोग आए हैं और ये उत्तराखंड की पहचान है ये। तो उत्तराखंड से आप क्या लेके आए हैं? उत्तराखंड से हम उत्तराखंडी डिश लेके आए हैं, वहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश है हमारे पास, और जिसमें हम चैसू भात, उसके साथ भात, ये झंगोरे की खीर होती है, और ये हमारी मिक्स दाल है जिसमें हमने तोर, पुलक और छैमी राजमा को मिक्स किया हुआ है। और वो लड्डू हैं जो? जी हाँ, ये लड्डू हैं, ये मंडवे के लड्डू हैं। मंडवा हमारा मिलेट होता है, जो उत्तराखंडी मिलेट है, जिससे ये लड्डू बनाए हुए हैं। और ये अलसी और मंडवे को मिक्स करके बनाया हुआ है ये लड्डू, और ये बेसन के लड्डू हैं। और भी दुकानें हैं इतनी सारी यहाँ पे खाने पीने की, लेकिन रश आपके पास ही क्यों पड़ा है यहाँ पे? बहुत काफी रश है याद है उत्तराखंड का। इससे पहले भी आपने कहीं स्टॉल कहीं लगाया? हाँ जी, हम लगाते रहते हैं, जो भी हमें बुलाते हैं हम लोग वहाँ पर अपना ये लगाते रहते हैं। उत्तराखंड का जो आप, मैंने एक मडवे का आटा सुना हुआ, तो उसको आपने यहाँ पे लाए हैं कुछ, उसका कुछ है कुछ आइटम? जी हाँ, हमारे पास मंडवे के लड्डू हैं अभी, और मंडवे के हम मोमो भी बनाते हैं।
अच्छा, मंडवे के मोमोज, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मुझे दिखाएं जरा कहाँ पे। चिकन मोमोज है? नहीं नहीं, ये वेज मोमोज है। अच्छा, चिकन नॉन वेज नहीं रखते आप? नॉन वेज नहीं सर, हम उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ वेज ही रखते हैं। और ये देखिए, ये हमारे मंडवे के आटे के तो ये है जी, मंडवे का मोमोज, मंडवे का मोमोज, रागी मोमोज। वाह जी, ये तो आटा ब्लैक कलर का लग रहा है मुझे। जी हाँ, मंडवे का जो आटा होता है वो ऐसे ब्लैक ही होता है। ठीक है जी, और इसमें क्या खास बात है इस आटे में? सर पूरी तरह से हेल्दी है, और क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैदा या पेट को नुकसान करने वाली चीजें नहीं होती, ये पूरी तरह हेल्दी होता है। बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी सब आराम से खा सकते हैं। अच्छा, डाइजेस्ट हेल्थ के लिए अच्छा, पूरा, है पूरा डाइजेस्टेबल है, 100% डाइजेस्टेबल। बहुत बढ़िया, बिजी शेड्यूल में आपने हमें बड़ा कीमती टाइम दिया, आपका धन्यवाद। आप बड़े बिजी हैं तो आप लगे रहे अपने काम पे, और मैं जल्द आपसे दोबारा मिलता हूँ जी। जी जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यहाँ बड़ी भीड़ है, जरा पूछे जरा यहाँ क्या बिक रहा है। हाँ जी, मैला क्या दे रहे हैं? बड़ी भीड़ लगा दी, पूरा मेला यहीं पे आ गया। ये गोलगप्पे हैं भैया, ये जींद के स्पेशल गोलगप्पे हैं भैया। जींद के? हाँ जी। तो हमारे शहर के गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं है, ये खुद के बनाए हुए हैं हमारे। आपने सुबह से कितने लोगों को गोलगप्पे खिला दिए? 400। हाँ। बस ये तो बहुत कम है, इतना बड़ा मेला और 400 लोगों ने खाए। मेला तो अभी कस्टमर अभी आने लगे ना। अच्छा, शुरू हुआ मेला? हाँ, अभी शुरू हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। हाँ। गोलगप्पे कितने के हैं? 10 के 3 हैं भैया। अच्छा जी, वाह जी वाह, बड़ा इतनी जोर से क्यों बोल रहे, हमें सुनाई देता है, हमारा कान ठीक है, धन्यवाद। पहली बार देखिए, क्या आइटम क्या है ये, क्या चीज है? ये फ्रूट आइसक्रीम है जी, ये दूध और खोए की रबड़ी होती है, इसके अंदर बर्फ और नमक होता है, उसके ऊपर दूध और खोए की रबड़ी होती है। अच्छा, तो आइसक्रीम ऊपर हम सारा नेचुरल फ्रूट लगाते हैं, सेब, संतरा, चीकू, पपीता, अनार, सब मिक्स फ्रूट। तो इसमें ये पिघलता नहीं आइसक्रीम ये जो? नहीं नहीं, ये इसमें जमता रहता है ये। दे भाई। अच्छा, ये फ्रीजर लगा कुछ है, बिजली से जुड़ा हुआ है कोई? नहीं नहीं, कोई बिजली का नहीं है जी, हाथ से मतलब बर्फ और नमक डालते हैं, उसी से जमता है ये आइसक्रीम। अच्छा, तो ये जो रंग बिरंगा है ये क्या, ये फ्रूट है? ये फ्रूट है जी, सारा नेचुरल फ्रूट डाल रखा है इसको। अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अनार है, संतरा। ये किस चीज का रस है जी? ये संतरा है जी। अच्छा, संतरा है जी। अच्छा, ग्लव्स पहन के, पूरा कैप ऊपर लगा के, बड़े तरीके से काम करते हैं आप? हाँ जी। वाह जी वाह, मैंने आपको पहले भी देखा, कई मेलों में देखा आपको। हाँ जी, हमारा मेलों का ही काम है जी। अच्छा ठीक है जी, बाकी शादी वगैरह में भी लगाते हैं आप? हाँ, शादी में भी, शादियों में चलता है आजकल ये, वैसे लोगों ने कम देखा है ये तो। हाँ। ये इसको बोलते क्या हैं? इसको फ्रूट आइसक्रीम रोलर बोलते हैं। अच्छा, फ्रूट आइसक्रीम रोलर। हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये कहाँ मशीन आती है, कहाँ मिलती है मशीन? ये मशीन दिल्ली मिलती है। दिल्ली में मिलती है? वाह जी, बहुत बनवानी पड़ती है ऑर्डर देके। बहुत बढ़िया, ये कितने की बनती है? ये बन जाती है 15,000 रुपए में। हाँ जी, 15,000 रुपए। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। वाह जी वाह जी वाह जी, ये तो बहुत बहुत ज्यादा आइटम है जी। हाँ, ये सारा अचार है जी? हाँ जी सर जी। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। और किस तरह, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। ये मैं देखिया, ये अचार, ये करेला भी अचार है जी, थोड़ा जा दसो जरा की है जी? ये है करेला बेटे। अच्छा जी, करेले का अचार है, ये बहुत मतलब शुगर के लिए बहुत अच्छा बेटे। अच्छा, ये है करौंदे का अचार पुत्र। अच्छा जी, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है बेटे। ठीक ठीक, जो है अपना डेला, ये आम तक तो मिलते नहीं है बेटे, सिरासान चमगौने पुत्र। अच्छा, वाह, ये डेले का चारा पुत्र, ये निगाह वास्ते बहुत अच्छा बेटे। अच्छा जी, और ये वाली गाजर है बेटे। हाँ बिल्कुल, ये लाल मिर्ची है बेटे। बिल्कुल जी, आमचूर पाके मसाले में भरी, बहुत बढ़िया अच्छी। और ये अदरक का चारा पुत्र। ठीक है जी, ये मीठा नींबू है जी। अच्छा, और ये कटहल का चार पुत्र। कटहल? कटहल। वाह जी वाह, आ मीठी चटनी है जी साड़ी, बहुत बढ़िया तैयार की हुई है जी। अच्छा, ये सारा कुछ आप ही बनाते हैं? जी जी जी, अपने घर से तैयार किए चीजें सारे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। ये तो फिर बहुत टाइम, तो पूरी फैक्ट्री खोली हुई है? हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा, और आगे बताएं जी क्या क्या? और हरी मिर्चा बेटे, बहुत अच्छी तैयार की हुई तरफ। अच्छा जी, हरी। और आमले का चार, हर बीबी का चार घर से तैयार करके ना, तीसरे चौथे दिन ये फेंक देंगे नहीं, अपना पिछले साल का आमला मेरा। अच्छा, कभी खराब नहीं होगा बेटे। ठीक है जी, 2 साल की ले। और आम का चार बेटे। वाह जी वाह, और सेब का मरबा पुत्र। ये सेब है जी? सेब है, छोटे सेब जड़े, सेब का मरबा, कच्चे सेब का, कच्चे सेब का। मैं तो सोचा वो ये आंवला लग रहा है मैंने तो। नहीं, ये कच्चे सेब का मरबा जी, आंवला ही है भाजी। हाँ जी, ये बता दें जरा जी, ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी, सेहत के लिए बहुत अच्छा जी है। अच्छा, मतलब कच्चे सेब का तैयार किया है अपना। तो गाहक आपके कौन से ज्यादा, बूढ़े लोग आते हैं कि जवान भी आते हैं? बहुत सारे जी, बीबियां भी, भैन भी, बुजुर्ग भी,
कई चीजा मैं पहली बार देखिया जी जो अचार दस रहे हो ना मुरब्बा पहली बार देखिया जी है ना और ये अगला की जी है जेड़े सरदार जी पा रहे हैं की है ये भी मुरब्बा मीठी चटनी ये मीठी चटनी जी अंबा दी अच्छा ये किस चीज दी बनी है जी ये गुड़ पाके तैयार की हुई है अपनी मेवे पाए हुए ने मेरे बहुत काली मिर्च होगी मैं काला नमक हां जी ठीक है जी और तो बाकी सारे थोनो उधर वाली नहीं सारी जी अपने ये हैगा जी हरड़ दा मुरब्बा अच्छा ये मैं पहली बार देखे हाँ जी ये पेट वास्ते बहुत अच्छा बेटे अच्छा जी पेट वास्ते रात नु खाने तो बाद एक पीस खाओ पेट अच्छा। गैस कब्ज दर्द खत्म वाह जी वाह बहुत अच्छी चीज है बेटे यानी तुसी दुकानदार नहीं तुसी ता हकीम डॉक्टर है के? जो मर्जी हाँ जी सब तो वधिया तुसी तोड़ा स्टॉल लग रहा है हाँ जी पूरे देखो हर जगह बड़ा रश हुंदा जी मेरा चार लाइन ला के बेचदा हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल देखो इना साफ सुथरा ते फिर ए किन्ने सालां दी मेहनत है जी ए सानू हो गए जी सानू 15-16 साल काम करदे नु अच्छा बहुत मतलब हजे तो बहुत आइटमां मेरी घर से रह गईयां जी अच्छा नहीं नहीं ये आपको कितना टाइम लगा बनाने में लग जाता जी इन्हें साल सारे बनाने हाँ जी साल लगे रहने जी गर्मी गर्मी अच्छा यानी कि कंटिन्यू लगे जी, रहते हैं आप हाँ जी हाँ जी पूरा साल जी सरदार जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल पुत्र ठीक है तुसी कैमरे तो दौड़ी जा रहे हो भज्जी जा रहे हो नहीं 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 भज्जदा नहीं अच्छा अच्छा आवदे बच्चा लोग तो भज्जी जाते अच्छा बिजी सीगे ना अच्छा मैं कह रहा जी किन्ने साल हो गए तुहानू ये काम करदे हो जी 2009 दे करदे हां अच्छा यानी कि 12 साल हो गए तुहानू हां 12-13 साल हो गए वाह ये सीखा कहां से आपने बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके शुक्रिया अगला अगला टूर कि आपने बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कारपेट रखे हुए ऐसे मैंने बहुत कम देखे हैं बड़े बड़े शोरूम में जो मिलते हैं हजारों में 50,000 के 40,000 के 30,000 के जो आपके यहाँ पे इतने सस्ते वही कारपेट इतना सस्ता क्यों है सर हमारे घर पे मिर्जापुर में बनते हैं कारपेट अच्छा। और हर एक जगह से सस्ता भी देते हैं और ये देखिए क्वालिटी अलग है ये क्वालिटी अलग है ये लोकल है ये ओरिजिनल है अच्छा ठीक क्या है? खासियत है इसमें ये पतले कारपेट है बिल्कुल अच्छा और ये मोटे कारपेट है इसमें क्या खूबी है ये जहाँ पे बिछा दोगे ये हिलेगा नहीं अच्छा और ये जो है हिलता है जमीन पे तो ये हैदर जी बताएं क्या रेट है इसका और ये कितने बाय कितने साइज क्या है इसका ये सर है 5x8 का अच्छा 5x8 का एक अच्छे छोटे लिविंग रूम के लिए बहुत बढ़िया है हाँ जी सर स्टैंडर्ड साइज है सर ये 6,500 का है अच्छा जी हमारी वीडियो जो लोग देख के आएंगे आपके पास पंचकुला में ये हाँ जो मेला लगा है सारस मेला लगा है सेक्टर 5 में तो आप उनको कितना का देंगे डिस्काउंट मेरे करके 20% डिस्काउंट सर अच्छा जी कितना हुआ फिर ये कारपेट का ये सर 1,300 रुपये माइनस हो जाएगा 6,500 में मैडम आप राजस्थान से हमारे शहर में क्या लेके आए हैं छोले भटूरे गट्टे की सब्जी दाल दाल बाटी मूंग दाल का हलवा चूरमे का लड्डू है रबड़ी जलेबी है और आलू प्याज कचौरी मिर्ची बड़ा मूंग दाल कचौरी छोले भटूरे रबड़ी केवर मावा कचौरी है दही बड़ा है पत्ती की चाट है पाव भाजी है पपड़ी चाट ये दही बल्ला दही बल्ला अच्छा ठीक है अच्छा और वो क्या है पाव भाजी पाव भाजी इसमें से सबसे महंगी आइटम कौन सी है सबसे महंगी आइटम थाली है हाँ जी थाली राजस्थानी थाली वो कितने की थाली है 300 की उसमें कितना क्या क्या मिलता है उसमें 2 मिक्स बाटी आएगी दाल आएगी गट्टे की सब्जी आएगी लहसुन की चटनी आएगी केर सांगरी सब्जी मूंग दाल का हलवा चूरमे का लड्डू एक बाजरे की रोटी एक मिक्स रोटी आएगी अच्छा और जितना मर्जी खा सकते हैं बाद में किसी ने डबल खाना हो जैसे दोबारा खाना हो खा सकता है वो खा सकता है अच्छा ठीक है जी बहुत बढ़िया यानी कि 300 रुपए में अनलिमिटेड जितना मर्जी खाए 300 में ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने बड़ा कीमती टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से बहुत बहुत शुक्रिया